Hello students, today we are going to start our new chapter of class 12 chemistry. It is called study of P block, in which we are going to discuss about the first group, which is called group number 15 in your course. Now today we are going to discuss the topic. First is introduction of nitrogen family, next one is their properties and anomalous behavior of nitrogen. The group 15 also considered as nitrogen family. Now come to the first thing, introduction of nitrogen family, that is group number 15. The nitrogen family contains the elements like nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and this one. This group present in P block group number 15. On writing the electronic configuration, nitrogen have atomic number 7, configuration is 1s2, 2s2, 2p3. Phosphorus, atomic number 15, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. Arsenic, atomic number 33, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Then होता क्या है आपका यहाँ पे, एक्चुअली हियर इज अ 4s2, देन 3d10, देन 4p3. और फेक ऑफ यूज करनी है, सब करते क्या है, 3d को उधर लेके आते हैं और 4s2 उधर लेके चले जाते हैं. एक्चुअली में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन बस क्या है कि आपके जो ऑर्बिट हैं वो सारे आप एक साथ हो जाए, इसलिए करते क्या थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर आवर स्टडी, अपने स्टडी को थोड़ा सही करने के लिए और थोड़ा इजी करने के लिए. हम करते क्या, इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d10, देन 4s2, देन 4p3. इस फॉर्म में करते क्या लिख देते हैं, इससे क्या होगा आपका वन फर्स्ट चला आपकी एक जगह से, सेकेंड चला आपकी जगह पर ऑर्बिटल, थर्ड शेल उसके ऑर्बिटल एक साइड से आगे आपके, फोर शेल उसके ऑर्बिटल एक साइड से आगे. लेकिन एक्चुअली में ऐसा कंफिग्रेशन होता नहीं, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ये क्या होता है कंफिग्रेशन का आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसमें बैलेंस शेल कौन सी होती है, 4s2 है, 4s2 और 4p3 वाली होती है, क्लियर. उसी तरह से अगर देखो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 51, इसका जो कंफिग्रेशन आज हो गए लास्ट में क्या आएगा इसका 5s2 एंड 5p3. नेक्स्ट है आपका बिस्मत, एटॉमिक नंबर 83, अगर इसका आप रोल करोगे तो क्या आएगा 6s2 और 6p3. ये क्या होते हैं इनका कंफिग्रेशन. कंफिग्रेशन अगर आप इससे देखो तो नाइट्रोजन टू बिस्मत, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मत, अगर इन सब अगर आउटर मोस्ट कंफिग्रेशन आप देखो तो सबके लास्ट में क्या आता है 2s2 और 2p3, सॉरी s2 और p3 आता है, n2 और np3. सबके लास्ट में अगर आप देखो ये क्या आएगा s2p3. क्या हुआ आपका, जब उस तरह फॉर्म में लिखा तो क्या हुआ s2p3, इसमें क्या हुआ आपका s2p3, इसमें क्या हुआ आपका s2p3. इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, दैट इज वो क्या था आपका ns2 एंड np3. देयरफॉर इनको क्या किया गया, एक साथ एक ग्रुप के अंदर रखा गया, विच इज ग्रुप नंबर 15. अब ग्रुप नंबर 15 किसका है, टोटल पीरियोडिक टेबल का है. अगर खाली आप ओनली अगर आप पी ब्लॉक की बात करो तो पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर 5. पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 5 है, टोटल पीरियोडिक टेबल क्या ग्रुप नंबर 15 है. ये बात अपने ध्यान में रखिएगा, ओनली पी ब्लॉक का क्या ग्रुप नंबर 5 है और पूरे पीरियोडिक टेबल क्या ग्रुप नंबर 15 है. क्योंकि ऐसे कितने होते हैं यहाँ पे, 2 ग्रुप होते हैं, बीच में डी आ जाता है, 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 12, 12 प्लस इधर क्या होगा आपका 3 हो जाता है, वो क्या होगा आपका ड्रॉप. इस तरह से आप समझिएगा इसको, यहाँ पर अगर P3 है तो P3 का मतलब क्या है, P3 का मतलब होता है कि P ब्लॉक में जो आपका थर्ड होगा वो क्या होगा आपका, इसमें
तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी पूरी नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी, अगर ऐसे समझ सको ठीक है, नहीं तो सिंपल जिस तरह हमेशा पढ़ा जाता है, जो आपका एक्सेल दिए गए पढ़ने का जो आपका मैनर है वो क्या आपका प्रिंसिपल 15, तो इसके मेंबर जो होंगे वो आपके क्या होंगे आपका, ये हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, जैसा लिखते नहीं हो आप क्या लिखते हो, लिथियम देन बेरेलियम देन बोरॉन देन कार्बन देन नाइट्रोजन, ये हुआ ना बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, क्या हुआ ग्रुप नंबर 3 ब्लॉक ग्रुप नंबर क्या हुआ 3 हुआ, और ऐसे अगर बात करो ग्रुप नंबर क्या होगा आपका 15 होगा ये, ठीक है ना। कभी कभी कहीं पीरियोडिक टेबल देखो लिखा था क्या आपका 1A देन 2A देन ये क्या होता आपका 3A देन क्या होता आपका 4A देन क्या होता आपका 5A, तो क्या हुआ ऐसे आपका ग्रुप नंबर 5 है। तो आप जिस तरह से चाहो उसको आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो स्टडी करना चाहिए वो कैसा होगा नंबर 15 का होगा। इतनी बातें क्लियर हुई आपको, तो अब यहाँ पे फोकस क्या करना आपको, क्योंकि इन सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं दे ऑल हैव सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर दे आर डिटेन इन अ सेम ग्रुप फॉर ग्रुप नंबर 15। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज नाइट्रोजन, देयरफॉर दिस ग्रुप इज कंसिडर्ड एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इस पूरे ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आपका नाइट्रोजन है, इसीलिए इस पूरे कहते हैं क्या हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, अगर इस ग्रुप की हम प्रॉपर्टीज को देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपने देख ली द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका वैश्विक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा था आपका, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NF2 एंड NP3, ये क्या था इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी द वैलेंसी, वैलेंसी इज कॉल्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है यहाँ की, द नॉर्मल वैलेंसी अगर देखा जाए, द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप इज 3, नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है इस ग्रुप कितनी होती है, कैसे नाइट्रोजन जब आप क्या लिखो कॉन्फ़िगरेशन लिखो अकॉर्डिंग टू बोर वर्णित, तो क्या होगा 2, 8, 3 यही होगा, नहीं क्या होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 7 होता है, तो क्या होगा आपका 2 and 5 होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं होगा, क्या होगा 2 और 5, नाइट्रोजन क्या है आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल वैलेंसी कैसे निकालते हैं 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितना हो गया 8 - 5 = 3, वैलेंसी कितनी होगी इसकी 3, नॉर्मल वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की आपकी 3, इसका फॉस्फोरस की क्या होगी 3। लेकिन कुछ आपके इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी करती क्या एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड कैसे करती है, अदर वैलेंसी अगर बात करें अभी इतना हटा देते हैं, नॉर्मल वैलेंसी क्या होगी इसकी 3, ये आप ऑन में आ गया होगा, कैसे निकलती है नॉन मेटल है तो 8 माइनस करते क्या नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन अ बैलेंस शेल। नाउ अदर वैलेंसी, अदर वैलेंसी अदर वैलेंसी कितनी होती है इसकी 5 होती है, कैसे इसको आप समझते हो, जैसे आप बात करो नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनाता है उसकी वैलेंसी 3 होती है, क्यों बनाता है आपका NH3 NCl3, फॉस्फोरस भी बनाता है CCl3 है ना, ऐसा कंपाउंड बनाते हैं ना उसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, अदर वैलेंसी 5 कैसे है PCl5, ये कंपाउंड का नाम सुना होगा आपने PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अब यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 से आपकी 5 हो गई, कैसे हो गई, अगर आप बात करोगे फॉस्फोरस को एटॉमिक नंबर 15 द कॉन्फ़िगरेशन इज, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका फॉस्फोरस का, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फोरस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, कितना हो गया 6 + 2 = 8 8 + 2 = 10 10 + 2 = 12 12 + 3 = 13, इसके बाद क्या आता है थर्ड वेल कौन सा आता है आपका यहाँ पे 3d आता है, तो वर्ष है इसके पहले लेकिन थर्ड शेल का कौन सा आपका एक ऑर्बिटल बचा हुआ है 3d, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 0, अभी कितना था एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन आप कितने थे आपके 1 2 3, और डी कैसा था आपका यहाँ पे वेकेंट था 1 2 3 4, कैसा था आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल था, ये कैसा आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट,
ये क्या आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, याद करो बस, पर सॉरी वहां पे क्या होता था, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन आपका इंक्रीज करता था, वहां पे करती वैलेंसी आप बढ़ा देते थे। अब यहाँ पे देखो क्या आपका थ्री आपके अनस्टेबल्ड है, यहाँ पे वन आपका क्या आपका फेल्ड है। जब ये एक्साइट होगा तो वन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एस टू डी, कहाँ चला जाएगा, इनर ऑर्बिटल ट्रांजिशन होगा, कहाँ से गया एस से कहाँ पे चला गया डी में, तो एक्साइटेड स्टेट में अगर चला गया तो इसके एक्साइटेड स्टेट का इन एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, यहाँ पे एस था इसके अंदर क्या हो गया वन अनपेयर्ड, देन क्या था आपका वन टू थ्री, सी में पहले से था, अब डी में कितना हो गया वन, टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हो गए वैलेंसी कितनी हो गई उसकी फाइव। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस वैलेंसी कितनी होती है, थ्री होती है, साइड में कितनी हो जाती है आपकी फाइव हो जाती है। इट मीन्स इसमें क्या होता है इनऑर्बिटल ट्रांजिशन होता है, इसलिए फॉस्फोरस करता है कि अपनी वैलेंसी को एक्सपीड कर लेता है, देयरफॉर इट मेक कंपाउंड लाइक पीसीएल फाइव, इसलिए करता क्या है पीसीएल फाइव लाइक कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है। अगर ये प्रोसेस ना होती पीसीएल फाइव कभी ना बनता, क्या बनता केवल आपका पीसीएल थ्री। क्या ये बात नाइट्रोजन में है, इस बात को समझो आप, नाइट्रोजन में क्या होता है 1s2, 2s2, 2p3, क्या इसके पास d ऑर्बिटल है, नहीं, क्योंकि s के पास ऐसा होता है कौन सा होता है 2 और p होते हैं, यहाँ पे नो अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में क्या होता है कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपकी जो वैलेंसी है वो नाइट्रोजन की थ्री से एक्सपीड नहीं करती है, थ्री पे क्या होती है वो फिक्स हो जाती है, ये बारे ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनर से पूछता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में नाइट्रोजन ले कंपाउंड लाइक NH3 बट फॉस्फोरस ने कंपाउंड CCl3 एज वेल एज CCl5, हाउ डू दैट हैपन, कैसे ये होता है, तो वहां पे आप इस बात को वेरीफाई करिएगा। इतनी बातें क्लियर हुई आपको। अब दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि आपकी वैलेंसी नॉर्मल कितनी होती है, इसमें थ्री होती है, और अदर वैलेंसी कितनी होती है फाइव होती है फॉस्फोरस से लेके आपके अदर कंपाउंड, और भी जो आपके अदर एलिमेंट है उनमें क्या होती है वैलेंसी आपकी मैक्सिमम कहाँ होती है आपकी फाइव तक होती है। क्लियर नाउ कम द नेक्स्ट थिंग दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, क्या बनाएंगे हाइड्राइड बनाएंगे ठीक। अब इसको रिएक्शन फॉर्म में समझो, व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म क्या बनाता है इट प्रिपेयर्ड एंड, यही होता है ना, क्या बनता है आपका ये कंपाउंड और अमोनिया, इसका फॉर्मेशन होता है अमोनिया को, बैलेंस करो आप थ्री हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा, क्या बना आपका फॉस्फोरस व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म सी एस थ्री। एक्चुअली फॉस्फोरस जो होता है वो आपका रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस है ना ब्लैक फॉस्फोरस फॉर्म में आपको फॉस्फोरस मिलते हैं, तो उस समय फॉस्फोरस क्या होता है सी फोर फॉर्म में होता है, विद दिस रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस सी एस थ्री, तो यहाँ कितने होंगे फोर मोल्स हो जाएंगे, बैलेंस करो आप होगा फोर थ्री टेन हो जाएगा, तो सिक्स इंटू टू इक्वल टू ट्वेल्व क्या बनाएगा सी एस थ्री, ये क्या होती है कॉल्ड फॉस्फीन गैस होती है फॉस्फीन गैस। उसी तरह आपका आर्सेनिक है, व्हेन आर्सेनिक रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इट फॉर्म एएसएस थ्री, कितना बन जाएगा यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे क्या करो इसको टू कर दो आप, इसको क्या कर दो थ्री कर दो, कितना हो जाएगा आपका मोल ऑफ एएस, यानी अगर आप देखो सब में हाइड्राइड कौन सा बन रहा है एनएस थ्री ईएस थ्री एएसएस थ्री, तो आगे बढ़ते जाओ क्या होंगे हाइड्राइड बनेंगे, इट मीन्स इट प्रिपेयर्ड हाइड्राइड लाइक एम एक्स, नहीं एक्स मत करो एक्स से यहाँ क्या कर लो आप एक्स एम एक्स इस तरह क्या करते हैं आपके हाइड्रोलाइज का फंक्शन करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो फॉस्फोरस हो और इसी बात क्लियर हुई। तो आपने यहाँ पे थ्री प्रॉपर्टीज को आपने देख लिया, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपका एनएस टू एनपी थ्री, नेक्स्ट इज अ वैलेंसी द नॉर्मल वैलेंसी इज थ्री एंड द अदर वैलेंसी इज फाइव, नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन कैसा बनता है हाइड्राइड आपका इट फॉर्म्स हाइड्राइड लाइक एमएसथ्री टाइप, एमएसथ्री टाइप का करते क्या यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड सेकेंड, और नेक्स्ट थिंग जो भी आपका नंबर हो रिएक्शन विद हैलोजन,
अगर हैलोजन से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? हैलोजन कौन से होते हैं आपके? हैलोजन साहब, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं आपके? हैलोजन होते हैं, इट इज आयोडीन, आयोडीन। अब आपको पता है वैलेंसी कौन सी होती है आपकी? थ्री होती है और फाइव होती है। इट मीन अगर हैलोजन से बन रहा है तो क्या बनेंगे आपके? हैलाइड बनेंगे। अगर थ्री होंगे तो क्या होंगे? ट्राई हैलाइड। फाइव होंगे तो क्या होंगे? पेंटा हैलाइड। एट है टेंडेंसी टू फॉर्म ट्राई हैलाइड एज वेल एज पेंटा हैलाइड। कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो नाइट्रोजन है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट प्रोड्यूस NCl3। क्या? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। बैलेंस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे आपका? टू। यहाँ पे क्या करोगे? थ्री। क्या बन गया? होमोलॉग NCl3। उसी तरह आपको अगर आप फॉस्फोरस की बात करो, फॉस्फोरस क्या बनाएगा? PCl3 बनाता है और PCl5 रिफॉर्मेशन करता है, अभी आपने देखा हुआ था। बट एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड डिक्रीजेस। यानी जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जैसे जैसे आप किसमें आते हो? बिस्मथ में आते हो। बिस्मथ के पास एक टेंडेंसी होती है, बिस्मथ ओनली फॉर्म बिस्मथ ट्राइक्लोराइड। ये करता क्या है? बिस्मथ ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, बिस्मथ पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, द वैलेंस शेल s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी भी, अगर आप देखो तो डिफरेंस देखा जाता है, तो उसमें जो बैलेंस जो आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इट डज नॉट एक्सीड इट्स वैलेंसी फ्रॉम 3 to 5, देयरफॉर इट इज नॉट प्रोड्यूस BiCl5 लाइक कंपाउंड, इसलिए इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई आपको? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इट मीन्स नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इट प्रोड्यूस ऑक्साइड। अब यहाँ पे वराइटी ऑफ ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड लाइक NO, NO2, N2O, N2O4, N2O5, N2O3 एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके होते हैं ऑक्साइड बनते हैं। उसी तरह से द फॉस्फोरस प्रोड्यूस ऑक्साइड लाइक P2O3, P2O5। सिमिलरली द आर्सेनिक फॉर्म इट ऑक्साइड लाइक As2O3, As2O5। एंटीमनी SbO3, SbO5। बिस्मथ इट प्रोड्यूस BiO3। अब BiO3 क्यों बनाता है? जो इनर्ट पेयर, वहां पे क्या होता है आपका? इनर्ट पेयर होता है। ये बात है ना, इसमें BiO5 में तो इसमें क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का द बैलेंस ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो नाइट्रोजन के देखो तो यहां पे NO बना, NO2 हुआ, N2O हुआ, N2O4, N2O5, N2O3, ठीक है, N2O3। फॉस्फोरस का P2O3, P2O5, आर्सेनिक As2O3, As2O5, एंटीमनी SbO3, SbO5, बिस्मथ BiO3। इस तरह करते क्या है ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सबसे ऑक्साइड किसके बनते हैं आपके? नाइट्रोजन। वैरायटी ऑफ ऑक्साइड बनते हैं, है ना? नाउ ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल यानी अब जो आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे आपके जो कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है या नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है,
उनका रिएक्शन मेटल कैसे होता है, रिएक्शन के साथ मेटल से कैसे वो रिएक्शन करते हैं। टेक अ मेटल लाइक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब आप लेते हो तो इसमें क्या होता है, इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म Mg2+। ये क्या बनाता है Mg2+, सपोज रिएक्शन किससे हो रहा है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ टेंडेंसी क्या होती है, Mg3- अब ये क्लास 9 का रूल है कि आप करते क्या उसकी वैलेंसी को मल्टीप्लाई करते हो और क्या बनता है कंपाउंड का फॉर्मेशन। इट मीन जब इनके बीच में रिएक्शन होगा ये क्या बनाएंगे Mg3 and N2 लाइक कंपाउंड। तो क्या हुआ मैग्नीशियम नाइट्राइड, किसका फॉर्मेशन हुआ आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड का, जहां मैग्नीशियम अमाउंट कितना आपका 3, नाइट्रोजन अमाउंट कितना आपका 2। इट मीन को बैलेंस करिए आप क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से करो सॉरी 2 नहीं क्या होगा आपका N2 when 3 Mg react with nitrogen gas it produce magnesium nitride compound, is that clear? Similarly when phosphorus react with magnesium it forms Mg3 P2, when arsenic react with magnesium it forms Mg3 As2। अब ये नहीं क्या मैग्नीशियम ही लो आप सोडियम का रिएक्शन करा के देख लो उसका कंपाउंड बन जाएगा, ये तो आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिया है। Mg3 आर्सेनिक हो गया तो क्या होगा हमें आर्सेनिक तो आपका बन गया ना Mg3 NT1 SB2। सिमिलरली Mg3 Bi2 यानी मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम आर्सेनाइड, मैग्नीशियम एंटीमनाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, ऐसे ही कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह से क्या बनते हैं यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक और बेसिक स्ट्रेंथ आप क्या होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस करना पड़ता है। और बेसिक कैसे डिस्कस करोगे आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड के बेस पे आप करते क्या है बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल जो आपके सबके हाइड्राइड बने हो क्या होगा नाइट्रोजन हाइड्राइड NH3, फॉस्फोरस का PH3, आर्सेनिक का AsH3, एंटीमनी का SbH3 एंड बिस्मथ का BiH3। ये क्या बनते हैं इसके हाइड्राइड। और सबके पास क्या होता है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर। यहाँ पे क्या होगा द बेसिक स्ट्रैंड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। यहाँ पे जो आपका बेसिक स्ट्रैंड है किस पर डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, तो इसके पास भी अपना लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यानी इन सारे जितनी भी आपके हाइड्राइड बन रहे हैं इन ईच हाइड्राइड ऑल द नाइट्रोजन फैमिली मेंबर हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जामिनर आपसे किससे कंपेयर करने को पूछता है NH3 और PH3। और जब आप NH3 को देखते हो NH3 का शेप क्या होता है कुछ ऐसा, इसमें ये क्या हो गया आपका लोन पेयर PH3, ये भी क्या बनाता है आपका हाइड्राइड, इसके पास क्या होगा लोन पेयर। अब ये बताओ यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा आपका 2p, यहाँ पे कौन सा आपका 3p, ये बना क्या आपका 2p ऑर्बिटल और ये क्या बना आपका 3p ऑर्बिटल। दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इन साइज। अगर यहाँ पे देखो ये 2p और ये क्या आपका 3p है, दोनों में क्या आपका साइज का डिफरेंस है, किसकी साइज बड़ी है ये बताओ 3p, इन सिंपल 3p हैव लार्जर साइज इन कंपैरिजन टू 2p। 3p की जो साइज होगी वो 2p से क्या होगी ज्यादा होगी, और जब साइज ज्यादा होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आपका सेम है, इट मीन्स वी ऑल नो दैट डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है इक्वल होती है। इट मीन्स मास क्या है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मास क्या आपका कॉन्स्टेंट है बट द वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम क्या आपका ज्यादा है यहाँ वॉल्यूम क्या आपका कम है। इट मीन्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द डेंसिटी विल डिक्रीज, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे डेंसिटी क्या डिक्रीज करेगी। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस इन कंपेरिजन टू NH3, यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू फॉस्फीन, क्यों क्योंकि यहाँ पे 2p और बेटा 2p ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो 3p से क्या होता है छोटा होता है, ये कौन सा आपका 2p, इसीलिए इसकी साइज जो होगी डिफरेंस क्या होगा द साइज ऑफ 2p इज लेस देन साइज ऑफ 3p, देयरफॉर इन 2p द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या होगी यहाँ पे हाई होगी और यहाँ पे क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या होगी यहाँ पे कम होगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी यानी स्पेस कम है दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में
वहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। इस रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट यानी नाइट्रोजन क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से डोनेट हो जाए, निकल जाए, यहाँ क्या हो जाए, डोनेट हो जाए। इट मीन इट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहां पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होने टेंडेंसी होती है वहां पे क्या होता है, बेसिक स्टैंड होती है। कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका, याद करो लुईस कॉन्सेप्ट, दो एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कंसिडर्ड एज लुईस बेस, क्या होता है आपका लुईस बेस होता है, NH3 क्या होगा आपका लुईस बेस, ये भी बेस है लेकिन इसके कंपेरिजन कम होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इन कंपेरिजन टू टू की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आपकी बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज ज्यादा है इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बहुत ज्यादा है इसलिए क्या होगा ज्यादा हाई होगा, ये जल्दी जल्दी चाहे इसका लोन पेयर निकल जाए, और इसकी बेसिस स्ट्रेंथ की बेसिस क्या होगी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस आउट ऑफ ऑल द अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन फैमिली। इसीलिए नाइट्रोजन की जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो फॉस्फेट से क्या होती है, ज्यादा होती है। आपसे एग्जाम यही पूछता है कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड फॉस्फेन, तो अमोनिया आपका क्या होता है मोर बेसिक होगा इन कंपेरिजन टू फॉस्फेट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या किलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसलिए यहाँ पे क्या होगा कम होगा। इतनी बातें क्लियर हुई आपको ना, नेक्स्ट वही चीजों को यहाँ पे नोट किया गया है कि NH3 में क्या होता है स्मॉल ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मोर बेसिक होता है, यहाँ पे लार्ज ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेस बेसिक है, तो यानी जब आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे इन NH3 PS3 ESS3 SBS3 एंड BIS ये सब है ना, जब हम इधर किधर जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट द ऑर्बिटल साइज इंक्रीजेस, अगर ऑर्बिटल साइज इंक्रीज करें तो क्या होगा, सेकेंड द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, थर्ड क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर गई तो क्या होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर बन जाएगा, इट मीन्स द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, यार रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, और इन सब में देखा जाता है द बिस्मथ हाइड्राइड इज बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, व्हेन बिस्मथ हाइड्राइड जब इसको आप डिकम्पोज करते हैं दे कन्वर्ट इनटू Bi++3H-, ऐसा क्यों होता है Bi3+ क्यों बनता है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक रूल एज वी मूव डाउन इन ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाता है बिस्मथ क्या होता है बिस्मथ ट्राइपॉजिटिव, इट मींस इट जनरेट 3 हाइड्राइड आयन, यहाँ पे करता क्या है 3 हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होता है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, हाइड्रोजन के फॉर्म में NH मेट होता है वो किस फॉर्म में H- के फॉर्म में, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन, इसलिए कैसा होगा आपका है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा होगा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये बातें क्लियर हुई आपको ना। अब इसी से रिलेट आपका एक वर्ड एक चीज और होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कौन कौन सा आपका, फिर से आपका NH3 PS3 ASH3 SBH3 देन BIH3 सबके पास क्या अपना लोन पेयर है, लोन पेयर तो उसमें क्या रिपल्शन होगा, अब ये बात ध्यान रखो आप, ये था आपका नाइट्रोजन, दो को सब पकड़ लो आप सबको समझ जाओगे, इसके पास ये क्या है आपका लोन पेयर, यहाँ पे क्या आपकी फॉस्फीन इसके पास भी क्या है आपका लोन पेयर, अब ये बताओ एज वी मूव डाउन एवर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है आपकी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है इंक्रीज करती है, जो तो इंक्रीजिंग प्रिंसिपल काउंट नंबर जैसे साइज बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है, ये बातें क्लियर है ना,
क्लास 11 में आप चीजें पढ़ते हैं, जैसा आप ग्रुप में टॉपिक बताओ आते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन डेसिमल ऑर्डर नंबर साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, देयरफॉर एज द साइज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वहां पर डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए जब आप नाइट्रोजन का फॉस्फोरस से आते हो तो वहां पे क्या होता है, साइज इंक्रीज करती है, प्रिसम ऑर्डर नंबर इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वहां पर डिक्रीज कर जाती है। अब इसको कैसे समझोगे, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इससे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हावी तो आपस में क्या होगा इसमें रिपल्शन होगा, तो मिनिमाइज इस रिपल्शन नाइट्रोजन क्या करेगा अपने बॉन्ड एंगल को और बढ़ा लेगा, यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज कर जाएगा। सपोज करो यहाँ पे कितना था आपका 107 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 109 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, क्लियर, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉस्फोरस पे आओ, फॉस्फोरस कैसा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कम होगी, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे आपका डिक्रीज कर जाएगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, कैसा होगा आपका डिक्रीज होगा। उस जगह फॉस्फोरस के आगे जाओगे तो क्या होगा आपका एक्सलिक, वहां पे क्या होगा और कम, उसके आगे जाओगे तो क्या होगा आपका और कम, इस तरह क्या होगा आपका धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपके कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिटी आपकी कम होती जाती है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा धीरे धीरे आपका यहाँ पे कम होता जाएगा, लेकिन जहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ये जगह कलेक्ट हो जाते हैं, और इसको मिनिमाइज करने के लिए करता क्या है नाइट्रोजन, सारे सारे जितने भी आपके बॉन्ड पेयर हैं उनको उनका एंगल करता है कि आपका इंक्रीज कर देता है, क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको पढ़ा तो समझने के लिए था, हियर वी कैन डिस्क्राइब इन सच अ मैनर दैट यहां से यहां अमोनिया टू बिस्मथ हाइड्राइड बस क्या होगा द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या होती है डिक्रीज करती है, देयरफॉर सेकंड पॉइंट क्या होगा द बॉन्ड एंगल ये भी क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि वहां पर रिपल्शन क्या होगा मिनिमम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, इज दैट क्लियर। इस तरह बॉन्ड एंगल लिखा होगा NH3 PS3 then AS3 then SBDO सबसे कम कितना होगा DIS3 होगा DI श्री मात्र क्लियर हो गई नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें भी आपको कंपेरेबल लेकर था किसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन क्या किस फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में NH3 फॉस्फोरस किस फॉर्म में आपका PS3। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज हायर देन फॉस्फोरस क्यों होता है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है, रीजन क्या है द फर्स्ट रीजन इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है आपकी हाई होती है इसकी नाइट्रोजन की। नेक्स्ट ड्यू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब ये कहाँ से आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से आया ऐसे आएगा, ये आपका था क्या नाइट्रोजन यहाँ पे क्या लगे थे आपके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे था और इसमें क्या था आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक एक नाइट्रोजन और आया इसने क्या किया अपने आप को रोटेट कर लिया, रोटेट कैसे करेगा दिखाते हैं आपको ऐसे करेगा, अध्ययन बॉन्डिंग बताया ना द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ एनी कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द हाइड्रोजन और अदर कंपाउंड इट दिस पर्टिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑफ वन कंपाउंड टू द हाइड्रोजन और अनदर कंपाउंड इट इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी और यहाँ पे क्या था इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा था कौन सा पास था लोन पेयर था, तो इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन, इसलिए क्या हो गई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, क्या हो गई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कैसा था
इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भाई, जब नाइट्रोजन आपका ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन तरफ क्या करेगा आपका, ये फुल कर लेगा, इससे क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ये, इसके पास का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यह करेगा इसके इलेक्ट्रॉन तरफ क्या करेगा अपना अट्रैक्शन दिखाएगा, तो हम ये क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेगा और यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इसकी क्या होगी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनते हैं उतनी ज्यादा क्या होती है उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कंपेयर करो अदर को, अदर कौन से थे आपके PS3, देन क्या था आपका ASS3, देन क्या था आपका SBS3, देन क्या था आपका BIS3, ऊपर क्या था आपका NS3। NS3 का रीजन आपको मिल गया ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका ज्यादा होता है, लेकिन बाकी सब में क्या है एज यू मूव डाउन इन अ ग्रुप, यहाँ पे क्या आता पुराना कॉन्सेप्ट द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, क्यों इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट, ये भी तो फैक्टर है ना, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे उससे क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होल व्हिच आर एक्टिंग इन एज यू मूव डाउन इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्स। यहाँ पे क्या होगी वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होती है अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करती जाती है, इसीलिए अमोनिया के लिए क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर एज यू मूव डाउन इन अ ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट एज वेल एज इंक्रीज इन वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ एक्शन। इसी बात तो क्लियर हो गई, यहाँ पे आपने एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। हियर यू सी दैट द नाइट्रोजन नाइट्रोजन कुछ एनोमलस बिहेवियर होता है, क्यों क्या क्या होता है द नाइट्रोजन फॉर्म्स डायटोमिक गैस N2, केवल नाइट्रोजन होती है जो आपकी डायटोमिक गैस N2 का फॉर्मेशन करती है P2 AS2 SB2 BI2 इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल किसका होता है आपका नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन फॉर्म P pi P pi bond करते क्या फॉर्मेशन करते हैं एंड नाइट्रोजन है tendency to make nitrogen-nitrogen double bond, nitrogen-triple bond with carbon, nitrogen-double bond with carbon, cyanide acid concept वहाँ पे देखना, nitrogen-double bond with oxygen, है ना? इस तरह से क्या होते हैं P pi bond का formation करते हैं। The reason of that very or small in size, इनका ऐसा reason क्या है कि anomalous behavior nitrogen का, the size of nitrogen is very small among the group member of this particular group 15. अपने जितने भी इसके group member है कौन कौन से आपके फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मत, इन सभी कंपैरिजन में नाइट्रोजन का खास कैसी है कि बहुत ज्यादा छोटी है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है आपका इस पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन है एंड डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन वैलेंस शेल, और इसके वैलेंस शेल डी ऑर्बिटल नहीं, कॉन्फिगरेशन क्या होता है आपका वैलेंस शेल 2s2 2p3, यहाँ पर 2d नाम का कोई डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो डी ऑर्बिटल एब्सेंट इन वैलेंस शेल, इसलिए क्या होती है अनॉमलस नाइट्रोजन का बिहेवियर होता है। That's clear. I think it's the last slide of today. I hope you enjoy this class. Kindly revise this thing. We will meet you in next class with some new topic. Okay. Thank you, class.